हेलो फ्रेंड, कुमुद जगन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल सा बर्फी, इसीलिए मैं ली हूँ 2 कप मखना, जिसको बोलते हैं फॉक्स नॉट्स। उसको ऐसे थोड़ा क्रिस्पी करना है, अगर नहीं होता है तो कढ़ाई में थोड़ा भून लेंगे तो अच्छा बनता है। फिर ग्राइंडिंग कर लेंगे, फिर एक छन्नी से उसको छान लेते हैं। नहीं, पूरा ग्राइंडिंग नहीं करना है, फॉल्स मन में उसको ग्राइंडर करना है। फिर उसको ऐसे छन्नी से छानना है, नहीं तो जो छोटा छोटा पीस रह जाता है वो बाइंडिंग में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं ली हूँ आलमंड 1 कप ली हूँ। आप चाहे तो नारियल का बूरा भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर, वो ग्राइंडिंग कर ली हूँ। देखिए पूरा वो अच्छे से फाइन हो गया है। उसको वो जो हम लोग ग्राइंडिंग किए थे मखना पाउडर, उसमें डाल देंगे आलमंड को। उसके बाद पाउडर शुगर लेंगे, 2 स्पून ली हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो और भी ले सकते हो, और 1 स्पून भी ली हूँ। और थोड़ा इलायची का पाउडर लेंगे। फिर मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर उसको हम लोग ना ऐसे और 1 स्पून में डाले हूँ। फिर उसको अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही हेल्दी चीज़ है फ्रेंड, एक बार बना के खा के देखिए, बहुत ही इजी है, बिना गैस जलाए हो जाता है। फिर मैं उसको दूध से ऐसे मिक्स करूँगी और आटे के डो फॉर्म में लाऊँगी। एक बार एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो जो डो पतला हो सकता है। आटा जैसे गूंथते हैं ऐसे करना है, और थोड़ा मैं दूध को ऐड की हूँ, धीरे धीरे करके करना है फ्रेंड। फिर डो फॉर्म में आ गया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। फिर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे उसको, और एक बाउल में रख ली हूँ। फिर उसमें थोड़ा मैं कलर ऐड की हूँ, आप चाहे तो कलर ऐड सकते हो, नहीं तो ना ऑप्शनल है। देखिए उसको अच्छे से मिला लेंगे, कितना अच्छा दिख रहा है ढो। उसके बाद उसको भी पूरा अच्छे से उसको मल के ऐसे आटा को फूम कर लेंगे। देखिए फिर ऐसे कर लेंगे फ्रेंड। आप चाहे तो जो भी शेप दे सकते हो, मैं ऐसे वाला शेप दी हूँ। फिर उसमें थोड़ा तेल डाल देंगे चॉपर पॉट में, और फिर ऐसे हल्के हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बैलेंस से उसको बेलना है फ्रेंड। देखिए ऐसे बेलना है, और साइड साइड थोड़ा फट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे सेट कर सकते हैं, स्पून से ऐसे करके सेट कर सकते हैं फ्रेंड। फिर हम लोग जो बनाए थे उसमें डाल डाले तो उसको ऐसे कवर कर लेंगे फ्रेंड। धीरे धीरे हल्के हाथ से करना है, वो फट गया है थोड़ा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसे आराम से सेट हो सकता है। फिर ऐसे दबा कर करके ऐसे ट्राइंगल शेप में मैं की हूँ, आप चाहे तो जो भी शेप दे सकते हैं उसको। फिर उसमें सिल्वर फॉइल लगा लेंगे, आप चाहे ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। फिर उसको ऐसे दबा दबा के 1/2 घंटे के लिए बाहर रख देना है, नहीं तो फ्रीज में 15 मिनट के लिए रखना है। फिर मैं निकाल ली हूँ, छोटा छोटा पीस करके कट कर लूँगी। बहुत ही स्मूथ टेस्टी हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा बना है। ये रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।